पानीपत से आ रही है, जहां हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से आग लगी है। बत्रा कॉलोनी में रुई से भरे कैंटर में भीषण आग लगी है, साथ में खड़ी कार में भी आग लगी। भीषण आग लगने से भगदड़ का माहौल भी बन गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि ये पूरी खबर है पानीपत से, जहां पर हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से आग लग जाती है। बत्रा कॉलोनी में रुई से भरे कैंटर में आग लगी है और साथ में खड़ी हुई कार जिसने आग ये चपेट में आ चुकी है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आग लगने के दौरान और आग लगने के बाद का हाल है, ये वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए भीषण आग जैसे ही लगी उसके बाद भगदड़ मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि मौके पर पहुंची हुई है, स्थानीय लोग भी पहुंच गए। देखिए लोगों में क्योंकि भय का माहौल बन गया था, हड़कंप पैदा हो गया था इस आग लगने से। ये तस्वीरें हैं पानीपत की। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुमित भारद्वाज से। सुमित, ये आग कैसे लगी, क्या है अभी के हालात, क्या है पूरी जानकारी? पानीपत की बत्रा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर एक रुई से भरा हुआ टैंकर खड़ा था और बताया जा रहा है कि वहां से गली से हाई अटेंशन की वायर गुजर रही थी, जो वायर कुछ नीचे थी। अचानक से वायरिंग में कुछ स्पार्किंग हुई है, जिसकी वजह से वहां पर टैंकर में खड़े में आग लग गई और आग ने साथ ही साथ विस्तार रूप धारण कर लिया और पूरा टैंकर जो है आग की चपेट में आ गया। साथ ही उसके साथ में एक्सयूवी 500 गाड़ी भी खड़ी थी। एक युवक शादी के बाद दोबारा अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था और उसने वही गली में गाड़ी जो है पार्क कर दी और साथ में उसकी गाड़ी भी जो है आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गई और दोनों ही जलकर राख हो गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सुमित भारद्वाज इस खबर के बारे में जानकारी देने के लिए हमको।